नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर श्याम मिथिया, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई. आई ट्राई टू आंसर योर फ्यू क्वेश्चंस सेंट ऑन दिस चैनल. सेक्स रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप ये चैनल पे रेगुलरली भेज सकते हैं हमको, SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए. हम उनके आंसर्स रेगुलरली देने की कोशिश करेंगे. तो उन्हीं में से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअल टैबलेट्स जो रहते हैं, वाइग्रा या वैसे जो दूसरे टैबलेट्स रहते हैं, वो लेने से पहले हमें किस चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो एक कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको डेफिनेटली ये टैबलेट लेने से पहले ही जहन में होनी चाहिए. वो यह है कि आपको कोई फिज़िकल इलनेस है या नहीं. अभी फिज़िकल इलनेस जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट कंडीशंस हो गए, थायराइड हो गया या हार्मोनल दूसरे इश्यूज हो गए, ये कोई भी कंडीशन है तो आप इस प्रकार की कोई भी टैबलेट डायरेक्टली मत लीजिए. आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप आपके नियर बाय कोई भी MBBS डॉक्टर हैं या फिर साइकियाट्रिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनको कंसल्ट कीजिए, उनको अपनी कंडीशंस बताइए. वो इस कंडीशन में आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि आपको ये टैबलेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या अगर ले सकते हैं तो कौन से डोज में ले सकते हैं. जैसे हो गया हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और ये वाइग्रा में कैसे होता है, बहुत बार ये ऐसी टैबलेट्स के कारण आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है. तो आपको ये टैबलेट अगर लेनी है तो वो आपकी जो गोली ही है. कोई कोई हाइपरटेंशन की गोलियाँ रहती हैं जिसके साथ ये गोली रिएक्ट कर सकती है और ब्लड प्रेशर बहुत ही शूट अप हो सकता है. जैसे नाइट्रोग्लिसरिन कंटेंट वाली कोई भी, ये नाइट्रेट्स वाली कोई भी टैबलेट्स रहेंगी, ये रिएक्ट करती हैं. तो वो आई थिंक आपके डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह दे पाएंगे. हाइपरटेंशन रहेगा तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. दूसरा हो गया कोई भी हार्ट कंडीशंस, अगेन यही हो गया. हार्ट कंडीशंस में अगर आपका ब्लड वो वाइग्रा की वजह से दूसरी जगह पे पंप हो रहा है, ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, तो आपको इश्यूज आ सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है. आप उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए. ECG करवाइए, स्ट्रेस टेस्ट करवाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. वहाँ से अगर आपको फिटनेस मिलती है आप डेफिनेटली ये टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं. तीसरी कंडीशन हो गई हार्मोनल इश्यूज, थायराइड, दूसरे हार्मोन्स वगैरह जो भी हैं, ये चीज़ों के साथ भी कभी कभार ये टैबलेट इंटरेक्ट कर सकती है. अगेन कंसल्ट कीजिए एंड देन ये लास्ट मैं कहूँगा कि कोई फिजिकल दूसरी इलनेस हो गई जैसे कि माइग्रेन. हाँ, ये वाइग्रा की वजह से बहुत बार ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जैसे आपके पेनिस में बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन अच्छा आ रहा है, वैसे ही दूसरी जगह पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. उसमें से एक है हेडेक. हेडेक मतलब आपके सर के जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ रहा है, इसके लिए आपको माइग्रेन का एपिसोड आ सकता है. तो अगेन कंसल्ट कीजिए, डोज कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इस प्रकार की कोई भी टैबलेट आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं. तो इस रिलेटेड आपको जैसे भी और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे आप डेफिनेटली यहाँ पे भेज सकते हैं, हम उनको रेगुलरली आंसर्स करते रहेंगे. थैंक यू. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें. नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें.